नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए, मटर और गोभी का तुरमा जिसको हम लोग बनाते हैं मसाले में, आज मैं आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और उसको बहुत लोग कोरमा बोलते हैं, पर हम तुरमा उसको बोलते हैं जिसको एकदम मटर जैसे गोभी को काट कर दिखाते हैं। देखिए, ये जैसे मटर ये गोभी काटा मैंने, ये छोटे छोटे हर पीस को आप ऐसे निकाल लीजिए। इसमें ये फूल गोभी है, एक बड़े फूल को जैसे हमने निकाला और आप इसको इसका डंठल पूरा निकाल दिए तो ये पूरा फूल रह गया। इसी तरह हम इसको काटेंगे और काट के हमने एक बाउल, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े करिए और बिल्कुल इसका एक भी डंठल इसमें नहीं रहेगा। देखिए, ये मैंने काट दिया है। एक बाउल हमने मटर लिया है और मटर के दाने की तरह ही आपका ये गोभी भी है। और उसके बाद ये दो टमाटर है, दो प्याज है और इसमें ये चार से पांच हरी मिर्च है, एक इंच से कम ही अदरक का टुकड़ा है और ये 8 से 10 कली हमारी लहसुन है। और इसके बाद ये हरी धनिया की पत्ती है और मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। लहसुन, प्याज, मिर्चा और अदरक को ही मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। इस सब्ज़ी को पूरा ध्यान से देखिए जिसको हम तुरमा बोलते हैं। अब मैंने गैस को ऑन किया है और एक कलछुल भरकर ये बड़े वाले से ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको फुल फ्लेम मैंने कर दिया है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या डालते हैं। ये मेथी दाना है, मेथी दाने के बगैर तो कोई सब्ज़ी बनती नहीं, जिसमें हमारी लज्जतदार स्वाद आता है और पेट के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग, चुटकी से एक पिंच इसमें हम हींग डालते हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह धुल लिया है और इसको भी मैंने धुल के रख लिया है, ये दोनों को। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये गर्म हो जाए तो मैं बताऊं कि कैसे इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। एक तेज पत्ता भी डालना है। इसके बाद इस मसाले में केवल अभी टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है और मिर्च है। अब मैं डालती हूँ इसमें मसाला। ये मैं राजेश मसाला यूज़ करके हर सब्ज़ी आपको बना के दिखाई हूँ। इसको दो पाउच इस्तेमाल करिए, बहुत तीखी और बहुत अच्छी इसमें सब्ज़ी मसाला है। मैं दो पाउच इसको डालती हूँ और इसके बाद इसमें मसाले में जो मेन है सब्ज़ी का, ये देखिए, ये लाल मिर्च है जो हमारा कलर भी लाता है और तीखा भी बनाता है। और हल्दी पाउडर है और स्वादानुसार नमक है, बस। इसके बाद इसको तुरमा का टेस्ट आप लोग जब बनाएंगे तो देखेंगे कितना ही टेस्टी आ रहा है। देखिए, अब ये लाल हो गया है। अब मैं इसको पहले इसको डालूँगी गोभी को, थोड़ा सा जो फ्राई करते हैं, और इसमें कोई आलू नहीं पड़ेगा, इसमें कोई आलू नहीं पड़ेगा, केवल मटर की तरह दाने की तरह आपके फूल गोभी का डंठल हटाकर बारीक से काटना होता है। अब बराबर मात्रा में लीजिए। तुरंत भुज जाएगा और बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में ही आपकी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि दोनों सॉफ्ट चीज़ है, मटर है और गोभी। बिल्कुल आप पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। ये सब्ज़ी बहुत ही मीठी और बहुत ही टेस्टी बनती है।
हमारा चूरमा, जिसको बहुत लोग इसको कोरमा बोलते हैं लेकिन हम लोग चूरमा बोलते हैं। देखिए ये भुज गया, ये दो मिनट में भूज कर दिखाती हूँ। हाँ अब ये देखिए ये हमारी सब्जी भुन गई है। अब ये बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे से सॉफ्ट होके मुलायम हो गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूँगी, आँच को धीमा किया है, मेथी से और हींग से इसको मैंने तेज पत्ते के साथ में डीप फ्राई किया है। तो कभी भी कहीं भी आप ले जा सकते हैं टिफ़िन में, या ऑफिस ले जाना है बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। देखिए मैंने गोभी और मटर को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें दो बड़ा टेबल स्पून के जैसे तेल डालूंगी। थोड़ा से गोभी में अच्छी तरीके से दो टेबल स्पून दोबारा डाला है, जो मैं अब मसाले को ग्रेवी तैयार करने जा रही हूँ। देखिए ये मैंने एक पाउच डाला है, अब ये एक पाउच डाल दिया है, ये देखिए एक पाउच में और डालने जा रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी इसका खास होता है, वो लाज कर दीजिए, हमने सिम किया था। अब ये हमारा अच्छी तरीके से मसाला भुज जाए दो से तीन मिनट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए ये मेरा दो से तीन मिनट अच्छी तरीके से मसाला भुज गया है। अब इसमें हम ये सारा आइटम डालते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला देते हैं। देखिए ये चूरमा हमारा एकदम, दो मिनट और समय लेगा, दो से तीन मिनट, और ये आसानी से अब ये पक जाएगा। अच्छी तरीके से इसको मिलाकर और इसको आँच फूल कर देते हैं। टमाटर साथ में पीसने का यही एक फ़ायदा है कि इसमें ग्रेवी बिल्कुल एक दूसरे में सिमट कर टमाटर कहीं अलग से नहीं दिखता है। अब इसको मैं दो से तीन मिनट भूज कर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा, देख रहे हैं ये कैसे साइड में बिल्कुल तेल छोड़ दिया, दोनों मसाले के साथ में गोभी और हमारा मटर बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भुज गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी का रसा लगाएंगे, हल्का सा, ये हमारा जो मिक्सी में हमने मसाला डाला था इसी में। ये देखिए ये तो अभी गोभी हमारा मटर ग्रेवी सोख लेगा। ये देखिए अब ये हमारा फुल आँच करेंगे, अभी तो सिम किया था, अब सब मसाले एक दूसरे मिल गए हैं। अब मैं तीन मिनट इसको लगभग पकाऊंगी, फिर इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए पूरा कलर आ गया है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से तेल ऊपर भी आ गया। अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये हरी धनिया डालूंगी, उसके बाद मैं इसको चलाकर गैस को ऑफ कर दूंगी। देखिए सारे पीसेस बिल्कुल अलग अलग जितना है उतना ही दिखेगा। ये देखिए इसको हम बिल्कुल तोड़ के काट कर नहीं डालते हैं, ये छोटा पीस मटर के साथ में मिक्स हो जाए तो एक सार दिखता है। देखिए सारे मटर मेरे और गोभी पक गए हैं। अब मैं सर्व करने जा रही हूँ, गैस को ऑफ कर दिया। और
एकदम लज्जतदार सब्जी हमारी बन गई है। इसी तरह थोड़ा सा मैं धनिया से गार्निश कर दूंगी। और आप लोग भी इसी तरह गोभी मटर टमाटर की तुरमा बनाइए और अच्छी तरीके से पराठा और रोटी के साथ में मिलकर खाइए। और बिजी इलाहाबादी को कमेंट करके बताइए कि ये सब्जी आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या और सब्जी बनानी है वो हमें आप बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए, मैं बनाऊंगी और वीडियो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।